रामगढ़ शहर के ब्लॉक स्थित लॉ मैरिटल होटल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी एवं संचालन महामंत्री रंजीत पांडे के द्वारा किया गया। बैठक में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रणंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू खासा तौर पर मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी 25 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, इसको लेकर भाजपाइयों ने रणनीति बनाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाजपा कार्यकर्ता समर्थकों के साथ नामांकन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों से लोग जुलूस के रूप में अनुमंडल कार्यालय पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशी जुलूस के रूप में नामांकन करने समर्थकों के साथ पहुंचेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक नामांकन कार्यक्रम में पहुंचेंगे, इसके लिए तैयारी की गई है। भाजपा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी का नामांकन भव्य तरीके से ढोल नगारे व गाजे बाजे के साथ करने का निर्णय लिया है। भाजपा नामांकन के दिन ही अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करेगी। लॉ मैरिटल होटल के सभागार में आयोजित इस बैठक में रामगढ़ जिले के विभिन्न पंचायत व प्रखंड के कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता नामांकन के दिन उपस्थित रहेंगे और एक विशाल जन समूह रामगढ़ में दिखाई पड़ेगा, जो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग देखेंगे भी। और उम्मीद है जो नामांकन में बहुत भारी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है